Hello everyone, my name is Neja Parmar and today we will continue our topic, the definition, methodology and the scope of econometrics. So, humne last apni class mein definition on why we need to study econometrics bhi humne padh liya tha. Ab aage hum baat karte hain apni, hum baat karte hain aaj methodology ki. Kiski? Hum baat karte hain aaj. मैथोलॉजी की, मैथोलॉजी ऑफ ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. ठीक है, मैथोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. तो मैथोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स के अंदर आपके डिफरेंट पार्ट्स, सॉरी स्टेप्स हैं, यानी कि आपके आठ पॉइंट्स हैं, डिफरेंट इसके आठ पॉइंट्स हैं. तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं, दैट व्हाट आर द मैथोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. मैथोलॉजी का मतलब बेसिकली यही होता है कि किस तरीके से आप इसके अंदर काम करते हो. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैथोलॉजी की, तो सबसे पहली मैथोलॉजी का स्टेप है इसके अंदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस. अच्छा, चलो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक वर्ड आया हमारे पास हाइपोथेसिस. दैट व्हाट इज दिस वर्ड हाइपोथेसिस मीन. हाइपोथेसिस इज जनरली, अगर हम बात करें तो एक स्टेटमेंट होती है विच इज नीड टू बी प्रूवन, जिसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है. हाइपोथेसिस क्या होता है, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट विच वी वांट टू प्रूव, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि हमने सब, आप सभी ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रखा है, एब्सोल्यूट फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन की हम जो बात करते हैं वो बेसिकली क्या कहता है, आपका आपकी जो एब्सोल्यूट थ्योरी है कंजम्पशन की, जो हमारे केन्स ने दी है, ठीक है, वो बेसिकली क्या कहती है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन भी क्या होता है, आपका बढ़ता है ना. ये हमने बात की हुई है, ये हम बात मतलब सभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी कंजम्पशन क्या होती है, बढ़ती है. ठीक है, अब इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ती है इसका, और इसमें साथ के हम ये भी पढ़ते हैं कि इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ती है, और अगर इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी कम तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी आपकी इनकम बढ़ती है, यानी कि जो रेट है आपका कम होने का, दैट इज़ नॉट इक्वलेंट टू द रेट ऑफ द रेट बाय विच इनकम इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है. अब इसको हम एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, हमने एक हाइपोथेसिस और बनाई कि जो आपकी एमपीसी होती है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, वो क्या होता है आपका, कि वो किससे बीच में लाई करती है, आपके जीरो से वन के बीच में लाई करती है. मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसकी जीरो हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी वन हो सकती है. तो यहाँ पे हमने एक हाइपोथेसिस बना दी, एक स्टेटमेंट दे दी. क्या बनाई हमने, कि आपकी जो एमपीसी की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी, जीरो से वन के बीच में एमपीसी की वैल्यू आपकी लाई करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक हाइपोथेसिस बना दी, एक स्टेटमेंट दे दी हमारी थ्योरी की, कि अब और इस अब हमें आगे जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको यूज़ करके हमें क्या करना होता है, हमें अपनी ये जो स्टेटमेंट है, जो अपनी हाइपोथेसिस है, उसको प्रूव करना होता है. ठीक है, आई गेस आप सभी को क्लियर हो गया होगा. देन सेकेंड स्टेप है इसके अंदर आपका, इसके अंदर सेकेंड स्टेप है आपका क्या, सेकेंड ये तो हो गया पहला स्टेप, पहला आपका स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस. सेकेंड अगर हम बात करते हैं, अब सेकेंड है आपका, सेकेंड है क्या, स्पेसिफिकेशन ऑफ द, क्या है आपका नेक्स्ट वन, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल. मतलब हमने क्या किया, हमने अभी क्या बनाया, आपका एक हाइपोथेसिस बना दी, बट इट्स स्टिल एन इकोनॉमिक थ्योरी. हमने जैसे बात भी की थी ना अपने पिछले लेक्चर के अंदर, कि आपका हमारे पास हम तीन चीज़ों को यूज़ करते थे, इकोनॉमिक थ्योरी को, देन उसका मैथमेटिकल मॉडल वगैरह बनाते थे, तो वही ही है आपका सेकेंड स्टेप. सेकेंड क्या है इसके अंदर, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी. यानी कि जो हमने जो भी मॉडल बनाया, उस मॉडल को अब हमें क्या करना है, उसके हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है. यानी कि जो हमने बात करी थी कि किसके बीच में इनकम कि जो आपकी जो कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन है आपकी, कंजम्पशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, तो अब इसको हमें कैसे करना है, इसका हमें मैथमेटिकल मॉडल बनाना है. मॉडल बनाया हमने y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स. ठीक है, जिसके अंदर आपके y क्या है, आपकी इनकम,
वाई है आपकी इनकम, एक्स है आपकी कंजम्पशन, एक्स क्या है आपकी कंजम्पशन है, एंड बीटा वन एंड बीटा टू क्या है आपकी, ये दीज आर दी आपके, ये क्या है आपके पैरामीटर्स होते हैं। इनको हम आगे फर्दर अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब मेन जो हमारा इकोनोमेट्रिक्स के अंदर है वो हमें ये बीटा वन एंड बीटा टू से रिलेटेड ही रहता है हमका, क्योंकि वाई और एक्स की वैल्यूज तो क्या होती हैं, एक्स की वैल्यू अगर हमें गिवन होती है तो वाई की वैल्यू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास बीटा वन और बीटा टू की वैल्यूज हैं तो, ठीक है। तो लेकिन बात क्या है, फिलहाल हम बात करते हैं कि हमने क्या किया पहले स्टेप में, कि हमने हाइपोथीसिस बनाई, सेकेंड स्टेप में हमने बात कर दिया कि हमने क्या कर दिया, उसका मैथमेटिकल मॉडल बना दिया, और मैथमेटिकल मॉडल क्या बना दिया हमने, ये वाला वाई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स, ठीक है। अब ये बीटा वन बीटा टू क्या है आपके, बीटा वन और बीटा टू ये तो इसको हम बोलते हैं अपनी इंटरसेप्ट टर्म एंड दिस इज योर स्लोप टर्म। जैसे कि हम याद करो आप लोगों ने थोड़ा माइक्रो वगैरह में हम करते भी हैं, माइक्रो में बनाते भी थे, जस्ट सपोज करो ये आपका ठीक है, ठीक है ना, ओके ठीक है जी, और ये हो गया आपका ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताते थे कि यहाँ पे आपका इनकम आएगा, यहाँ पे आपकी इनकम, यहाँ पे इनकम हम शो करते हैं, और यहाँ पे हम शो करते हैं किसको, कंजम्पशन को, ठीक है। ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और ये जो है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होती है आपकी, इसको हम इंटरसेप्ट टर्म बोलते हैं, और स्लोप होते हैं कि जितना इसके अंदर चेंजेस आते हैं दैट विल बी योर स्लोप, यानी कि बीटा टू, और बीटा टू स्लोप बेसिकली आपका एमपीसी को शो करता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बना दिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने बना दिया आपका कि हमने क्या किया, पहले स्टेप में हाइपोथेसिस बनाई, सेकंड स्टेप में हमने उसका मैथमेटिकल मॉडल बना दिया। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे कि ऐसा मॉडल, अभी जैसे कि हमने इसके अंदर बात किया ना कि हमने मॉडल क्या बनाया अपना, हमने मॉडल बनाया वाई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स, ठीक है। तो ऐसा जब मॉडल जिसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, तो इसको हम बोलते हैं जहाँ पे उसको हम बोलते हैं सिंगल इक्वेशन मॉडल, ठीक है। अगर वहीं पे मॉडल्स में आपके क्या हो, आपके ज़्यादा आपकी इक्वेशंस पाई जाएँ तो उसको हम बोल देते हैं अपनी मल्टीपल इक्वेशन मॉडल, अंडरस्टूड। ऐसा मॉडल जिसके अंदर सिर्फ एक इक्वेशन है दैट विल बी नोन एज द सिंगल इक्वेशन मॉडल, एंड ऐसा मॉडल जिसके अंदर क्या है आपका बहुत सारी इक्वेशंस पाए जाएंगी तो दैट विल बी नोन एज मल्टीपल इक्वेशन मॉडल। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे कि विच इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपकी इक्वेशन के हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन देखो नाम से पता चल रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, कि आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो जिस किसी भी किसी चीज़ पे ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ इनकम की और किसकी, आपकी कंजम्पशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गई, यहाँ पे ये जो आपका वाई है ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, बिकॉज इनकम आपकी क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, सो सॉरी ये हम इसको ठीक कर देते हैं। ये वाई आपका क्या था यहाँ पे, वाई थी आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वाई क्या है यहाँ पे, ये वाई आपका कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन आपकी इनकम पे डिपेंड कर रही है, ये कंजम्पशन है और एक्स आपकी है इनकम, सो सॉरी फॉर दैट, ओके। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे आपका क्या है, आपकी इनकम डिपेंड नहीं कर रही, तो इनकम क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट क्या है यहाँ पे आपकी कंजम्पशन, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आपका, और यूजुअली आप जब इक्वेशन लिखते हो तो उस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, आपका डिपेंडेंट, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यूज अगर हमें गिवन है, एक्स की वैल्यूज अगर हमें गिवन है, तो हम वाई की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास बीटा वन एंड बीटा टू की वैल्यूज पता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक और नाम से हम बोलते हैं, दैट विल बी नोन एज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है, क्या बोलता है मुझे, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है।
आपको अब आगे जब हम फर्दर पढ़ेंगे तो कहीं पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम नहीं आएगा, नाम आएगा आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम इसके। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेप, आपका थर्ड है इसके अंदर की। अभी तक जो आपका मॉडल है ना, इस मॉडल, ये मॉडल कैसा है आपका, मैथमेटिकल मॉडल है। कैसा मॉडल है अभी तक, ये आपका मैथमेटिकल मॉडल है। अब इस मॉडल को हमें बनाना है अपना इकोनोमेट्रिक मॉडल। अभी तक तो हमने इकोनोमेट्रिक्स को इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब जैसे हम कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन, यानी कि सर इतना भी रखें तो जब तो भी चलेगा फिलहाल, स्पेसिफिकेशन ऑफ द इकोनोमेट्रिक मॉडल। देखो अब कैसे बनाएंगे इकोनोमेट्रिक मॉडल। अभी तक तो कैसा बना, ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल था, अब इसको हम बनाएंगे इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाएंगे इसको हम बाय इंट्रोड्यूसिंग अ टर्म यू, ठीक है। इस और इस यू को हम बोलते हैं एरर टर्म और डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्या है अब देखो, पिछला जो मॉडल था वो तो सिर्फ यहां तक था, अब इसमें बाय इंट्रोड्यूसिंग यू ये जो मॉडल है आपका बन गया है इकोनोमेट्रिक मॉडल। ये इकोनोमेट्रिक मॉडल आपका बन चुका है। इसके अंदर अब कैसे क्या है, देखो एक्चुअली क्या होता है अगर हम इन रियल लाइफ की बात करें, अभी तक तो हमने क्या कहा, हमने अपनी हाइपोथेसिस यही ली कि आपकी जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनकम पे डिपेंड करती है। लेकिन इन रियलिटी आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी कंजम्पशन है, जो आपकी कंजम्पशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम पे तो डिपेंड नहीं करती, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वेल्थ, ठीक है, योर पास्ट सेविंग्स, पास्ट की जो आपकी सेविंग्स हैं, आपकी पास्ट की जो इनकम है, ठीक है, और जो अगर आपकी हैबिट्स हैं, ठीक है, अगर और जो आपके प्रेफरेंसेस हैं उसके ऊपर भी आपकी कंजम्पशन डिपेंड करती है। लेकिन अब इस मॉडल के अंदर तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को लिया, यानी कि इनकम को। तो ये अगर आप इन रियलिटी जब अगर आप डाटा वगैरह कलेक्ट करोगे तो आप पाओगे कि आपका जो जो कंजम्पशन है ना वो आपके मॉडल के जो कंजम्पशन से तो मेल नहीं करता, मैच नहीं करता। तो इसीलिए क्या होता है कि उस टाइम पे, यानी कि उस टाइम पे जब आप अगर, क्योंकि अगर आप जो आपका जो आपने इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाया और जो आपका एक्चुअल जो डाटा होगा वो कभी फिर मैच नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उस चीज़ को हमने क्या किया, एक टर्म डाल दी यहाँ पे यू टर्म, और इस यू टर्म के अंदर जितने भी आपके अदर फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी पास्ट सेविंग्स हैं, इनकम है, हैबिट है, आपकी वेल्थ है, नॉट इनकम, पास्ट इनकम है, वेल्थ है, वो सारे के सारे फैक्टर्स का जो इफेक्ट है वो इस यू टर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या किया हमने, हमने कहा कि हमने मॉडल तो सिर्फ मॉडल में तो दो ही वेरिएबल लिए, हमने इनकम और कंजम्पशन को ले लिया, बट व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स, जो भी अदर वेरिएबल्स हैं उनका क्या। अब वो वेरिएबल आपके कंजम्पशन को इफेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया, उनके इफेक्ट को सभी, उन सभी को कोलैबोरेट करके एक और आपने क्या किया, इसके अंदर वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया या टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, जिसको हमने यू से डिनोट किया और जिसको हम बोलते हैं एरर टर्म, या जिसको हम कह देते हैं डिस्टर्बेंस टर्म। ठीक है, और ये मॉडल हमने कैसा बना दिया, इस मॉडल को हमने बना दिया आपका इकोनोमेट्रिक मॉडल। ठीक है, और जितने भी आपके अदर फैक्टर्स हैं उन सभी का जो इफेक्ट है आपके कंजम्पशन पे, वो ये यू क्या करेगा, अपने अंदर समेट लेगा, या कह सकते हो अपने अंदर उसके इफेक्ट को रखेगा। ठीक है जी, आई होप सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, फोर्थ स्टेप है आपका ऑब्टेनिंग ऑफ डाटा। अब ये ऑब्टेनिंग ऑफ डाटा जो है आपका, ऑब्टेनिंग डाटा, ये आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा, जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो कि बाय यूजिंग सैम्पलिंग मेथड और नॉन सैम्पलिंग मेथड डाटा को कलेक्ट करना, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो दो तरीके के डाटा कलेक्ट करने के तरीके होते हैं, एक तो आपका सैम्पलिंग मेथड होता है ना, और एक आपका नॉन सैम्पलिंग मेथड होता है आपका, वो हमारे इस यहाँ पे काम का नहीं है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि दो तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग डाटा। ठीक है, और आपके जिसमें हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी वाले भी चीज़ें करते हैं। तो फोर्थ क्या है आपका, ऑब्टेनिंग द डाटा।
उसके बाद हम काम करते हैं इसमें फिफ्थ जो आपका स्टेप होता है दैट इज द एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ द इकोनोमेट्रिक, इकोनोमेट्रिक मॉडल जो आपका क्या है कि जो आपका डाटा जो भी आपने डाटा मॉडल बनाया, अब मॉडल जो आपने बनाया था यानी कि जो मैं बता रही थी ना आपको कि बीटा वन और बीटा टू की जो वैल्यू कैलकुलेट करना था वो जो यू की इनकी जो वैल्यू कैलकुलेट करना था वो इस पार्ट में आएगा। और ये आपका बेसिकली कैसे कैलकुलेट करना है ये आपका फर्दर क्लासेस में आप लोगों को हम आप लोग स्टडी करोगे, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका एस्टिमेशन, जब आपने बीटा वन एंड बीटा टू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और डाटा कलेक्ट करके आपके पास एक्स टी का आपकी वैल्यू आ जाती है तो आप इसमें फिर आप अपने वाई टी की वैल्यू कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या किया आपने, एस्टिमेशन कर लिया। अब एस्टिमेशन के बाद छठा आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने में आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट यूज़ करते हो, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, जो अपने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो इसके अंदर आप क्या करते हो टेस्ट को, मतलब जो आपने एक एस्टिमेट कर लिया डाटा मॉडल, एक आपने एक्चुअल मॉडल बना यूजिंग द डाटा जो आपने डाटा कलेक्ट किया होता है उससे एक आपका एक्चुअल मॉडल आ जाता है, देन उनके कंपैरिजन होते हैं और उससे आप देखते हो कि भाई आपका जो हाइपोथेसिस आपने बनाई थी वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाती है। सेवेंथ इसके अंदर आता है फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग और हम कह सकते हैं प्रेडिक्शन। तो जो हमने आपका डाटा हमने जो बेसिकली जो मॉडल बनाया उसका यूज़ करके अगर हमें फोरकास्टिंग या फिर आपको फर्दर बताना हो प्रिडिक्शन करनी है तो वो इसमें यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ स्टेप होता है इसका यूज़ ऑफ द मॉडल, मॉडल को यूज़ करना फॉर मेकिंग पॉलिसी, फॉर कंट्रोल और फिर कह सकते हैं और पॉलिसी मेकिंग की पॉलिसी सॉरी पॉलिसी बनाने के लिए जो डिफरेंट पॉलिसी यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम, पॉलिसी पर्पसेस के लिए जो हम अपने मॉडल्स वगैरह को यूज़ करना इसका एट्थ और लास्ट स्टेप आ जाता है। मेन जो आपका बेसिकली इसके अंदर रहेगा वो रहता है एक तो स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट और दूसरी चीज़ कि आप कैसे अपने जो ये एस्टिमेशन है इकोनोमेट्रिक मॉडल का, ये जो आपका एस्टिमेशन वाला पार्ट है यानी कि जहाँ पे आपको बीटा वन एंड बीटा टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो पार्ट आपका मेन रहता है, ठीक है। तो आई होप सभी को आप लोगों को क्लियर होगी होगी मैथोलॉजी। एक बार हम क्विक रिविज़न कर लेते हैं इसके स्टेप्स की। तो सबसे पहला था आपका स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस, उसको बनाना, हाइपोथेसिस को बनाना। सेकेंड उसको मैथमेटिकल मॉडल का स्पेसिफिकेशन, देन उसको अपना इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाना बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्म यू, एंड ये यू के बारे में हम आगे फर्दर अपनी क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन अपना डाटा ऑब्टेन करना, देन उसके बाद आपने एस्टिमेट करना किसका, इकोनॉमेट्रिक मॉडल को, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना, देन फॉर फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन, एंड लास्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज़ यूज़ ऑफ द मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पस। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके अंदर स्टार्ट हम करेंगे अपना सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल।